अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। इस चुनाव में कहे हैं फटाफट फटाफट गरीबी हटाएंगे, अब कल अल्लाह 15 साल जो यही सांसद रहे तब कहे फटाफट फटाफट सारी गरीबी नहीं मिटा दी है। वैसे भैया जो जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अब पिछले चुनाव में बोले थे मशीन ऐसी लाएंगे, आलू डालेंगे, सोना निकलेगा, गए थे ना। इस चुनाव में कहे हैं फटाफट फटाफट गरीबी हटाएंगे, अब कल अल्लाह 15 साल जो यही सांसद रहे तब कहे फटाफट फटाफट सारी गरीबी नहीं मिटा दी है। इसलिए जितने यहाँ पर लोग राष्ट्रभक्त हैं, राम भक्त हैं, वो 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, अमेठी और भारत के विकास के लिए कमल का बटन दबाएंगे। मैं 5 साल यहाँ सांसद रही, मैंने आज तक कोई पक्षपात नहीं किया। वो आएंगे धर्म और जाति के नाम पर बदलाएंगे, लेकिन सच कहते हैं जब कोरोना का टीका मुफ्त आया था तब सुई लगने से पहले ये पूछा नहीं गया था कौन जात हो कौन धर्म है।